हेलो गाइस, वेलकम टू मल्टीट्यूड्स। मैं हूँ प्रियम और आज मैं एक जो न्यूज़ आपको देने वाला हूँ वो है भारत वन, जो कि लेटेस्ट फोन माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया है बीएसएनएल के साथ कोलैब करके, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ही हम इस वीडियो में भारत वन फोन के बारे में बताना चाहेंगे, जो 20 अक्टूबर से लोकल शॉप्स या फिर रिटेलर में मिल रहा है इजीली, और इसका प्राइस रखा गया है 2200। जी हाँ दोस्तों, ये फोन जियो फोन से थोड़ा महंगा है, और जियो फोन का जैसे रिफंडेबल पॉलिसी था ये वैसा नहीं है। तो इस फोन में आपको मिलेगा 2.4 इंच का स्क्रीन और 512 MB का रैम, 4 GB इंटरनल स्टोरेज, 2 MP का रियर कैमरा, और सामने का भी एक फ्रंट कैमरा भी है 0.3 MP का, जो कि जियो फोन जैसा ही है। और एंड्रॉयड ओएस तो नहीं है, ये एक फीचर फोन है, पर इसका जो यूआई है वो एंड्रॉयड के ऊपर ही बेस है। पर अभी तक ये नहीं पता चला है कि माइक्रोमैक्स इस सेट में कौन सा ओएस यूज कर रहा है, पर ये जानने को मिला है कि उसमें एक इनबिल्ट ब्राउजर सपोर्ट है, जिससे कि आप इजीली वीडियोस प्ले कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और साथ ही साथ लाइव टीवी मूवीज का भी ऑप्शन है, और आप म्यूजिक भी स्ट्रीम करा सकते हैं। तो सब सुविधा उसमें मिलता है। इस फोन का रेंज है 2200 रुपीज, और इसके साथ एक बंडल ऑफर आता है बीएसएनएल की तरफ से। और बीएसएनएल का ये ऑफर है कि अगर आप 97 रुपीज का रिचार्ज कराते हो तो आपको 5 GB का हाई स्पीड डेटा मिलेगा, 2G या 3G वो तो सर्कल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, पर 5 GB एक्सीड करने के बाद वो स्पीड रिड्यूस्ड हो जाता है 80 KBPS में, और साथ ही साथ आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स मिलेंगे। SMS के बारे में तो नहीं जानता, वैसे भी SMS आजकल कौन करता कौन है। तो ये प्लान है। और जियो फोन में कि जैसा मैंडेटरी था कि आपको जियो का सिम यूज करना ही पड़ेगा, तो दोस्तों इस फोन में वैसा नहीं है। आप BSNL का यूज कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, मैंडेटरी नहीं है। और ये फोन 4G वोल्टी और बाकी सब जो ब्लूटूथ वाईफाई जो है सब सपोर्ट करता है। और हाँ दोस्तों, इस फोन में वाईफाई टेथरिंग का भी ऑप्शन है, तो ये एक अच्छा है। तो अब मेरे दोस्त लोग पूछ रहे थे कि भाई कौन सा फोन ले, जियो फोन ले या फिर भारत वन फोन। तो अब मैं उसका ही कंपैरिजन आपको देना चाहूंगा थोड़ा बहुत। तो देखिए, अगर मेरा मानना है तो जियो फोन में क्या था कि आपको 1500 रुपये एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता था, उसके बाद आप जियो फोन को यूज करते थे, और उसके बाद 2 साल बाद आपको 1500 रुपीज का रिफंड मिल जाता है अगर आप फोन लौटा देते हैं तो। तब तक आपको क्या करना पड़ता था, ₹153 का रिचार्ज करना पड़ता था हर महीने, जिसमें आपको 0.5 GB का 4G डेटा मिलता है डेली, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स और SMS के साथ। तो उसका अगर कंपैरिजन करें इसमें, तो देखा जाएगा कि 97 में BSNL जो ऑफर कर रहा है वो जियो की तरह नहीं है। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग नेट कम यूज करते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि मेरा मंथली 5 GB ठीक ठाक से चल जाता है, तो उन लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो BSNL ठीक है। नहीं तो जो डेटा फ्रीक्स है और जो ज्यादा डेटा यूज करते हैं उनके लिए जियो फोन ही बेस्ट रहेगा। अगर हम हार्डवेयर के कंपैरिजन में जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि भारत वन फोन और जियो फोन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही 2.4 इंच का स्क्रीन है, 512 MB का रैम है, 4 GB का इंटरनल स्टोरेज है, 2 MP का रियर कैमरा है, और 0.3 फ्रंट कैमरा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और इसके साथ एक्सपेंडेबल स्टोरेज का भी फैसिलिटी मिलता है, पर जियो फोन में एक्सपेंडेबल स्टोरेज मतलब जो मेमोरी कार्ड आप इंसर्ट करते हैं तो वो आप 128 GB तक उसका सपोर्ट है, जो कि भारत वन फोन में अप टू 32 GB तक ही है। और अगर जियो फोन के प्रोसेसर में जाए तो जियो फोन में 1.2 GHz का स्पेक्ट्रम प्रोसेसर है, वेरेस भारत वन फोन में 1.2 GHz स्नैपड्रैगन 205 का प्रोसेसर है, जो अच्छा ही है, वो तो आप समझ ही गए होंगे।
और अगर कंपैरिजन करें उसके ओएस के बारे में, तो जैसे कि हम जानते हैं जियो फोन का ओएस काई ओएस पे चलता है, और माइक्रोमैक्स का तो अभी पता नहीं कौन सा ओएस पे चल रहा है, पर उसका एंड्रॉयड बेस्ड यूजर इंटरफेस है। और दोनों ही सेट में आपको इनबिल्ट ब्राउजर मिलता है विद वीडियो सपोर्ट, जिससे कि आप लाइव टीवी भी देख सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं, और आप म्यूजिक भी स्ट्रीम करा सकते हैं। और दोनों ही फोन्स में 22 लैंग्वेजेस का सपोर्ट आपको मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। अब ये तो आपके ऊपर है, आप कौन सा सेट खरीदना चाहते हैं और कौन सा नहीं, पर मेरा मानना यही है कि जो लोग ज्यादा डेटा यूज करते हैं वो लोग जियो फोन ले सकते हैं, और जिनको लगता है कि भाई हमारा 5G से हो जाएगा, इतना क्या होगा, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा भारत वन फोन ये रहेगा। अदरवाइज अगर हम हार्डवेयर के बीच कंपेयर करें तो ज्यादा फर्क तो नहीं है, और इन लोगों का रिफंड पॉलिसी भी अलग है। और अगर आप 2200 रुपये देके भारत वन फोन खरीदेंगे भी, तो अगर आप उसको वापस भी दे दे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, जो कि जियो फोन में था। वैसे आप सेकेंड हैंड सेल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, पर ये एक एडवांटेज है कि आपको जैसे जियो फोन में आपको जियो का सिम यूज ही करना पड़ता था, यहाँ पे वो मैंडेटरी नहीं है, आप बीएसएनएल का सिम यूज कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मेरे ख्याल से मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको दे पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने गैंग के साथ। तो मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा, तब तक के लिए बाय।